बड़ी चीज यह है, ये देखने में आया कि इस भाई यो भाई है, इसकी माँ है या इसकी बच्ची है, और ये क्यूकर है एचआर बालाजी डेयरी फार्म देखने वाले सारे भाई ने राम राम, और भाई जय गो माता सारे भाइयों ने। देखो बहुत सारी पशुओं की वीडियो बनावा अपन, भैंसा की भी बनावा, लेकिन गोदन की तो अपने कमी वीडियो बनाई होगी। वैसे गोदन के बारे में थोड़ा बहुत तो बताया होगा जितना भी रहा है, लेकिन आप शुरुआत करांगे कि गोदन की भी आप वीडियो बनाओ की भी नहीं, मतलब गोदन की पे ज्यादा ध्यान देंगे। बड़ी चीज यह है, ये देखने में आया कि इस भाई यो भाई है, इसकी माँ है या इसकी बच्ची है, और ये क्यूकर है वो जानांगे जोगिंदर भाई थे। जोगिंदर भाई की पहले ही वीडियो बनाई है, गांव जोगिंदर का है रिवासा, और एक बार और प्रॉपर थोड़ा भाई का एड्रेस पूछ लें की है, तो राम राम भाई जोगिंदर, तो राम राम भाई। अपना एड्रेस और बता दे एक बार, कौन सा जिला पड़ा है, कौन सी तहसील पड़ा अपना गांव की। भाई मेरा गांव रिवासा, अच्छा तहसील तुसाम और जिला भिवाणी। अच्छा जिला, भिवाणी से 13 किलोमीटर की दूरी पर रिवासा गांव है। अच्छा भिवानी तो 13 किलोमीटर हाँ आपका तुसाम था, तो 10 किलोमीटर तो है। शाम तो मतलब इक्वल सा पड़े मान हाँ ले। इक्वल सा ही पड़े लगभग। तो जोगिंदर भाई ये आपकी बच्ची भी है और माँ भी है, और आप इसकी माँ हो और हाँ ये और मैं आपकी इसका बच्ची है, बच्चा भी हूँ। इसका बच्चा भी है और माँ माँ भी है, ये हाँ आपकी माँ भी है और बच्ची भी है, हाँ मतलब यह बात है जोगिंदर की, या माँ भी है और बच्ची भी है, अरे जोगिंदर इसकी माँ भी है और इसका बच्चा बच्चा भी भी हूँ। है। तो ये जो बात है किस तरह, थोड़ा सा डिटेल में बताया बात कुकर हुई या कुकर बनी बात। भाई यह बात नो बनी आज से शायद 3 या 4 दिन पहले हम अच्छा चले गए एक देसी कल्याण में। अपना डेयरी का अच्छा काम है आपने बेरा है, ठीक हाँ है। हम चले गए एक देसी कल्याण में, हम ले गए भानगढ़, कई जगह घूमे, गौशाला में अच्छा कई गौशाला देखी कैरू की, और फिर हम घूम फिर के अपने गांव की गौशाला में आ गए। अच्छा शुरू में घूम गए अपने शुरू गौशाला, में कौन गया अच्छा पहला और गौशाला, पहले और गौशाला देखी। अच्छा हाँ मतलब मेरी जो सिस्टर है अच्छा ममता, वान बोली भाई एक देसी गाय ले आवांगे। अच्छा मैं कहा ठीक है। उसने देखी भाई माइक्रो जो गांव है छोटी छोटी वे हाँ देखी, तो अच्छा उनके रेट हमने पाए 10 लाख रुपये। अच्छा ये बेरा है एक जना 10 लाख रुपये गाल लिया छोटी, कदे पाली याद को नहीं कि मैं हो जाए। मैं बोले आप एक देसी गाय लिया वहीं छोटी बाछड़ी, कोई 4-5 महीने की टल रही होगी, गौशाला में पा जाएगी। हमने देखी भाई कौन बेरा था। फिर लास्ट में चले गए हम अपनी गौशाला में अच्छा रिवासा, वो चले गए घूमते फिरते। मखा देखे हुआ कदे अपनी भी पा जाया, तो चल गए भाई। ओड़े बैठे थे 4-5 जने, उनते पूछी कोई गा, नो बोले यार देश हंड है पड़ी पड़ाई गाने कौन छोड़ था सारे ले जाए। मैं बोले अच्छा हमने पड़ी पड़ाई कौन सी, कोई बच्ची हो 2-4 महीना की वाह दे दियो, हमने तो रोटी देनी है पड़ जाएगी मारा घर ने, कोई आठ को नहीं देसी हो। किस पर्पज से लाए थे अपना, यो ही पर्पज था मतलब छोटी गाय ने देख कर अपने। हाँ नहीं वो मेरी सिस्टर ने बोली कि ना मैं देसी गाँव ले आवांगे, अपना घर ना होनी अच्छा चाहिए, ठीक, अपनी माता है जाते अपने घर ना होनी चाहिए, आपा पालेंगे उसने। बोला ठीक है भाई। फिर या ओड़ा गौशाला में पराली के ऊपर छोड़ रखी थी बच्ची, तो अच्छा मैंने दूर तक उधर ती नजर पड़ गई। मैं बोला या बच्ची तो ठीक ठाक है, इसके पैर पूरे मतलब चोट चाट तो कितने थी को नहीं इसके। मैं बोला या बच्ची नू किस तरह के रखी है। नो बोला भाई इसकी माँ का ऑपरेशन करके या बच्ची काट दी थी पेट में थे, और अच्छा इस पर खड़ा को नहीं होया जा, जब यह 3 दिन की थी और आज अच्छा इसकी या होगी 7 दिन की। अच्छा 4 दिन हो तो जाए ना अपना, हाँ मैं बोला यार नू तो मर जाओगी अडे। नू बोले भाई गौशाला में तो इतने सारे जानवर हैं, तो हम तो दूध पिया दे हैं और थोड़ी बहुत देर इसने खड़ी कर दिया है, माचा मुच्चा का सारे है माचे अच्छा की जो पांद हो उसमें गाल के खड़ी कर दिया करते थोड़ी बहुत देर। अच्छा मकाया मर जाएगी मैं ले जाऊं इसने। नु अच्छा बोला भाई तू पाल सके तो पाल ले, जीवा सके तो जीवा ले। मैं अच्छा बोला ठीक है भाई। मैंने घर ने बात करी, मम्मी से पूछी पापा से पूछी, मैं कहा एक बच्ची है नूनू उस पर खड़ा होया कौन सा। अच्छा मेरी बेबे से पूछी दिखाई, तो मेरी बेबे ने बोली के ना मैं लिया अपने, तू बेरा है मन्ने शौक है शुरू से कुत्ते काते पालन का, पशुओं का पशुआ शौक है कुत्ते पालन का और छोटे जानवर पालन का। नू बोले तू पाल भी लेगा इसने, का हालांकि मैं कंपनी में लाग रहा हूँ, ओशियन लैब कंपनी में काम करूं। आज कितने दिन हो गए, 4 दिन हो गए आज तक मैं कंपनी में गया कौन, 4 दिन। मैं पहले अच्छा इसने ठीक करेंगे,
इसका क्या है, यो जो पिछला हिस्सा है ना, यो हिस्सा कमजोर है, इस पर उठा कौन जा पिछले हिस्से से। अच्छा हाँ, तो 3 दिन पहले मैं लिया इसने अपने, लिया के और इसका नाम रख दिया हमने वरिंदा। अच्छा, वरिंदा नाम रख, हाँ मेरे बेबे नाम रख दिया इसका वरिंदा। तो इस नाम निप्पल तक दूध पिया दिया। अच्छा ठीक है, थोड़ी बहुत देर इसने खड़ी कर दिया, ये तो खड़ी होने लगी, देखिए ये भी खड़ी हो गया है, पर सारे ते ठाणी पड़े। अच्छा, ठाणी अपना उठने, अपना आपको नहीं उठने लगी, इसमें बहुत ज्यादा कमजोरी है। मतलब ऊ तो इसमें विकलांगता होनी, कमजोरी है, कमजोरी है। हाँ। यो हिस्सा शायद इसका काम कर जाएगा, कोशिश यह है, मैं सुबह शाम इसकी मालिश कराया करूं। अच्छा। पैरा की फिर यहाँ खड़ी होने लगी, पहले हमने सारा तक खड़ी करी। अच्छा। लगा के तो बिना सारे खड़ी, हाँ ये जिस तरह पैर लेने लग गया, हल्की हल्की खड़ी हो जाए 4 दिन, मतलब इस अलग धीरे 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 कवर हो जाएगी। मैं आगे आगे चालू तो यार 2-4 कदम मेरे गेल गेल चाल भी ले, पर हमने थोड़ा सा डर रहा है कदे पड़ ना जा, तो एक जना पीछे रहे थोड़ा सा, हाँ चोट ताकि ज्यादा, थोड़ी बहुत हम चलावा इसने बिठा दिया। हालांकि मैं इसने और कितने नहीं अपने कमरे में रखू, अपने कमरे में रखू, आज तो हवा चल रही बहुत तेज, जाते बाहर ने गुल काटी, नहीं तो धूप पर बिठा दिया करू बाहर ने, चलाया करूं घुमाया करूं सब के में अपने दौरे रखू। अच्छा, इस तो ये जिस तरह मैं इसने बोलू ने, तो या जिस तरह बालक सुनिया करे जो सुनने लग। अंत तक वीडियो देखने वाले सारे भाइयों का धन्यवाद, मिलते हैं वही अगली।